Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार छात्रों एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं अपने आज के इस सत्र के साथ जो हमारे कोर्स फंडामेंटल्स या फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का ये जो हमारा कोर्स है उसका ये नौवां लेक्चर आज हम इस सत्र में इसको आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे और ये हमारे पिछले जो आठवां सत्र था उसी के कंटिन्यूएशन में आप इसको देखें क्योंकि ये भी हम उसी सत्र की तरह जो वहाँ पे हमारा जो हम अधिगम की बात कर रहे थे और लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स की हम बात कर रहे थे उसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ उसी दिशा में हम अपनी अधिगम की समझ को उसकी प्रक्रियाओं की समझ को हम और ज़्यादा उस पर आज बातचीत करेंगे तो अपने इस आज के सत्र में हम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग का जो ये सेकेंड चैप्टर है उसमें हम आज आगे बातचीत करेंगे और इसमें हम पिछली बार जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग में यानी जो क्लासिकल अनुबंधन में जो हमारा जितना पार्ट छूट गया था पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और उसकी चर्चा पूरी होने के बाद हम उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी जो क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है उसकी हम लोग बातचीत करेंगे आज जैसा कि हम लोग पिछले अपने सत्र में बातचीत कर रहे थे जो आपको याद भी होगा अभी कि उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से इवान पावलोव ने जो क्लासिकल अनुबंधन का अपना शोध किया और उसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि एक उद्दीपक दूसरे उद्दीपक को किस प्रकार से उन दोनों में संबंध बनने के बाद जो एक उद्दीपक जो वास्तव में न्यूट्रल स्टूबुलस की तरह होता है उसके अंदर भी वो गुण आ जाता है उस जुड़ाव के बाद कि वो भी एक रिस्पॉन्स यानी कि जो असल में केवल एक अनकंडीशन स्टूमलस के पास वो क्षमता होती है कि वो एक अनकंडीशनड रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके या उसको उसको सामने ला सके लेकिन वही एसोसिएशन के बाद यानी अनुबंधन के बाद कंडीशनड स्टुम्बल्स भी उस क्षमता को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वो भी एक कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट करता है जो कि ठीक यू यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स की तरह ही होता है तो अब इसमें आगे चर्चा को हम बढ़ाते हुए हम यहाँ बात करेंगे कि क्लासिकल अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं क्योंकि इसके पहले हमने इससे जुड़े हुए कुछ सिद्धांतों की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो शोध थे जिस प्रकार से उन शोध को किया गया उस पर भी हमने एक नज़र डाली थी तो अब हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्लासिकल अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसमें जो पावलोव के अनुसार जो पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो ये बताया कि इसका जो प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो है स्टिमुलस का सब्सटीट्यूशन यानी कि जो उद्दीपक है उसका प्रतिस्थापन और पावलोव इसके द्वारा ये समझाना चाहते थे या वो ये कहना चाहते थे कि जैसे हमारा एक उद्दीपक अगर इसको मैं आपको थोड़ा सा क्योंकि हमने अभी तक जो भी बातचीत की है वो सी एस और यू सी एस के फॉर्म में अभी तक बातचीत की है तो सी एस जो है वो यहाँ पर पावलोव के अनुसार वो केवल उसके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है यू सी एस को प्रिडिक्ट करना यानी कि ये पता लगाना या हमको ये संकेत देना कि यू की अब हमारे सामने एंट्री होने वाली है यानी कि जो यू हमारा यहाँ पर फूड की तरह था जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस पर चर्चा भी की तो फूड में जो चीज़ आ रही है वो जो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है सलाइवा सेक्रिशन वही सेम रिस्पॉन्स बाद में कंडीशन स्टूमलस जो कि हमने देखा कि एक बेल के रूप में जिस पर हमने चर्चा की उसी बेल की ये क्षमता हो जाती है बाद में कि वो भी फूड की तरह ही बिल्कुल एक ऐसा रिस्पांस जनरेट कर पाता है सलाइवा सेक्रीशन का तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यू की जगह ले, ले लेता है कंडीशन स्टूमलस और इसी को पावलोव ने बताया कि ये स्टूबुलस सब्सटीट्यूशन है इसी वजह से यही एक कारण है जिसको हम आगे भी चर्चा करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि समय यानी जो टेम्पोरल अरेंजमेंट है दो स्टूमलस के बीच में यानी सी और यू के बीच में जो टाइम डिफरेंस है यानी इनका जो प्रकट होने का एक दूसरे से कितना इनके बीच में गैप रहता है उसका क्या महत्व है उसको भी हम अभी आगे चर्चा करेंगे जो हमारा इसके बाद इस इसके टॉपिक के बाद हम उसी पर बातचीत करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ी और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी इसके बाद हमारा एक और इसमें बिंदु है जो इसको प्रभावित करता है और वो है एक्विजिशन की प्रक्रिया यानी कि जो गुण अभी तक यू में थे वो गुण अब प्रतिस्थापित होकर के वो गुण आ गए हैं सी में यानी कि अभी तक यू में ये क्वालिटी थी कि वो हमारा एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि जिसको हमने अभी तक सलाइवा सेक्रीशन के माध्यम से समझा उसको करने की जो क्षमता है वो क्षमता अब यहाँ से ट्रांसफर हो करके अनुबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वो ट्रांसफर हो जाता है कंडीशनड स्टूमलस में यानी कि अब केवल बेल की आवाज जो है उसके अंदर ये क्षमता आ जाती है कि वो सलाइवा सेक्रीशन को अंजाम दे सकता है तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो एक्विजिशन की प्रक्रिया है यानी कि हमारे अंदर जो 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 अभी तक हमें कंडीशनड स्टूमलस जो कि पूर्व में एक न्यूट्रल स्टूमलस था और उसकी वजह से हमारे अंदर कोई स्वतः रिस्पांस यानी किसी तरह का कोई वॉलेंट्री रिस्पांस नहीं आ रहा था वो बाद में एक्विजिशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यानी अनुबंधन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वो हम देख पाते हैं कि वहाँ पर कंडीशनड स्टूमलस उन्हीं गुणों को आत्मसात कर लेता है जैसा कि अनकंडीशन स्टूमुलस के होते हैं और उसके अनुसार जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो उसको जनरेट करने में सक्षम होता है इसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो टेम्पोरल अरेंजमेंट की बात की गई है और टेम्पोरल अरेंजमेंट में सी और यू का जो गठजोड़ है उनका जो प्रेजेंट करने की जो टाइमिंग है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसकी बातचीत हम करेंगे तो अभी इसमें हम दो तरह के यहाँ पर इसमें हमने फॉरवर्ड कंडीशनिंग में दो तरह की कंडीशंस हैं जिसको हम अग्रगामी अनुबंधन भी कह रहे हैं यहाँ पर उसमें आप देखेंगे कि एक डिलेड कंडीशनिंग है और एक ट्रेस कंडीशनिंग है और इसको फॉरवर्ड कंडीशनिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो सी एस है यानी कि जो फूड है वो यू सी एस यानी कि जो हमारा ये यहाँ पर सी एस में जैसा आपको याद है ये बेल है और यू सी एस में ये फूड है तो सी एस और यू सी एस में जब सी एस यू सी एस से पहले आता है तब हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड कंडीशनिंग यानी कि सी एस हमेशा यू सी एस के पहले आएगा उस कंडीशन को हम कहेंगे फॉरवर्ड कंडीशनिंग और फॉरवर्ड कंडीशनिंग भी दो प्रकार की होती है जिसमें से एक है डिलेट कंडीशनिंग और दूसरी है ट्रेस कंडीशनिंग तो आइए इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी और ये यू को यहाँ पर प्रदर्शित करती हैं ये लाइनें और ये जो समय अवधि है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टाइम का फ्रेम है जब सी और यू प्रकट किए जा रहे हैं और इसमें आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सी है यानि कि यहाँ पर हमने देखा जो डिलेड कंडीशनिंग की स्थिति है उसमें ये जो हमारा ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये दर्शाता है कि किस प्रकार से जो जब हमारा अनकंडीशन स्टूम्बलस है वो जब हमारा कंडीशन स्टूम्बलस की आधी अवधि बीत जाती है तो उसके बाद वो प्रकट किया जाता है या उसके बाद वो प्रेजेंट किया जाता है इस तरह की कंडीशनिंग को या इस तरह की जो समयावधि है उसको हम डिलेड कंडीशनिंग कहते हैं और ठीक इसी के तरह जब हमारा कंडीशनड स्टुम्बलस जैसे ही समाप्त होता है ठीक उसी समय अनकंडीशन्ड स्टुम्बुलस को दिया जाना इस कंडीशन को हम ट्रेस कंडीशनिंग कहते हैं और इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि जो कंडीशन्ड स्टुम्बलस है वो अनकंडीशन्ड स्टुम्बुलस के पूर्व में ही दिया जा रहा है इसीलिए इन दोनों प्रकार की जो समयावधि है इनको फॉरवर्ड कंडीशनिंग की संज्ञा दी गई है इसके बाद जो दूसरी इसमें हम एक और कंडीशन देखते हैं वो है बैकवर्ड कंडीशनिंग और इसमें हम अभी इसको इसी ग्राफ के साथ अगर इसको देखने का और समझने का प्रयास करें तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंडीशनड स्टुम्बलस हमेशा अनकंडीशन स्टुम्बलस के पहले उसकी शुरुआत होती है और अनकंडीशन स्टुम्बलस हमेशा उसके बाद प्रकट होता है लेकिन बैकवर्ड कंडीशन कंडीशनिंग में यानी बैकवर्ड अनुबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें ठीक इसका विपरीत होता है यानी कि अगर उसको हम ग्राफ के रूप में देखना चाहें तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कंडीशनड स्टूबलस जो है वो अनकंडीशनड स्टूमलस के बाद प्रकट हो रहा है समय में ये अगर समय हमारा इस तरह फ्लो कर रहा है तो सर्वप्रथम अनकंडीशन स्टूम्लस प्रेजेंट किया गया और उसके बाद कंडीशनड स्टूमलस प्रेजेंट किया गया और इस वजह से हम ये पाते हैं कि जो कंडीशनड स्टूम्लस है वो अनकंडीशन स्टूम्लस के बाद प्रेजेंट किया जा रहा है और इस तरह की कंडीशनिंग को या इस तरह का जब हम समय अवधि का इस्तेमाल करते हैं या टाइम गैप का जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंडीशन स्टुम्बलस अनकंडीशन स्टुम्बलस के बाद प्रकट किया जाता है इस तरह की कंडीशनिंग को हम बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं हालांकि जैसा आपने पहले भी अभी हम लोगों ने पिछले सत्र में ये चर्चा की थी कि जब भी इस प्रकार की कंडीशनिंग होगी यानी कंडीशनड स्टुमलस जब अनकंडीशन स्टूमलस के बाद प्रकट किया जाएगा तो उसका किसी भी प्रकार से एसोसिएशन अनकंडीशनड स्टुम्बलस से नहीं हो पाएगा और इस वजह से जो अनुबंधन की प्रक्रिया है जो क्लासिकल कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी और कंडीशनड स्टुमलस के अंदर वो प्रभाव जो अनकंडीशनड स्टुमलस के गुण वो एक्विजिशन के तहत यानी उसको जो आत्मसात कर रहा था अभी तक उसके गुण उसमें भी ट्रांसफ़र हो रहे थे जिसके तहत वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स की ही तरह कंडीशनड रिस्पॉन्स जनरेट कर पा रहा था अब वो ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाएगा तो ये हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा एग्जाम्पल है बैकवर्ड कंडीशनिंग का और इसी तरह से इसी की तर्ज पर हमारा एक और कंडीशनिंग है और वो है स्पॉन्टेनियस कंडीशनिंग साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में हम ये देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ सी एस है अगर इसको हम ग्राफ को यहीं पर बनाने की कोशिश करें तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ सी एस है आप ये देखेंगे कि यह बिल्कुल मैच करता है प्रेजेंटेशन ऑफ यूसीएस से अब यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों समय में बिल्कुल एक साथ प्रकट हो रहे हैं टाइम फ्लो में सीएस जिस समय उपस्थित है ठीक उसी समय पर यूसीएस भी उपस्थित है और ऐसी अवस्था में भी किसी प्रकार की कंडीशनिंग संभव नहीं हो पाती है उसका कारण ये है कि सी कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा है यहाँ पर सी से हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि ठीक उसी समय पे जब सी प्रकट हो रहा है ठीक उसी समय पे वहाँ पर यू भी प्रेजेंट है इसलिए सी एस को रिप्रेजेंट या उसको प्रिडिक्ट कर पाता है और इस कारण से कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाती है इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यहां पर हम क्लासिकल कंडीशनिंग की अभी तक हमने जितनी भी बातचीत की उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया कि क्लासिकल कंडीशनिंग के जो नियम हैं उसको हमने समझा जिसमें कि एक नियम यह था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो सी एस और यू सी एस यानी घंटी और भोजन फूड और बेल का जो कॉम्बिनेशन है जो उसकी पेयरिंग है उसे हमें बार बार करना पड़ता है तब जाकर के कंडीशनिंग की प्रक्रिया पूरी होती है उसके बाद एक और सिद्धांत को हमने जाना जिसमें ये हमने सीखा कि कंडीशन डिस्टुम्बलस और अनकंडीशन स्टुम्बलस के बीच में जो समयावधि है जो गैप है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इनफैक्ट बहुत कम यानी कि उन दोनों का आपस में समय में बहुत नज़दीकी होनी चाहिए उनके प्रकटीकरण में तो इस तरह के कुछ नियम हमने इसके पहले सीखे और इसके बाद हमने एक्सटिंक्शन की भी बात की यानी कि जो हमारी जो मेमोरी बनी या जो लर्निंग हुई हमारी एक एसोसिएशनल लर्निंग हुई जो अनुबंधन हुआ सी और यू की पेयरिंग का वो समय के साथ जब यू बार बार वहाँ पर नदारद रहता है यानी कि जब सी को अकेला प्रेजेंट किया जाता है बिना यू के प्रेजेंस के यानी घंटी केवल बजती है और भोजन वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस तरह की अवस्था में हमने देखा कि एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया यानी विलोपन की प्रक्रिया भी होती है तो ऐसे में हम ये पाते हैं कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो भी कुछ हद तक ये दर्शाती है या ये सिद्धांत हमें यह बताता है कि अगर सी और यू की पेयरिंग समय समय पर ना की जाए या सीएस बिना यूसीएस की प्रेजेंस के लंबे समय तक अगर उसको प्रेजेंट किया जाए तो हम एक्सटिंक्शन यानी जो लर्निंग हमारी हुई थी जो अनुबंधन हुआ था वो कमज़ोर पड़ जाता है लेकिन इन सभी नियमों के बाद कुछ ऐसे शोध हुए जिसमें इसके अपवाद में कुछ चीज़ें पाई गई और वो कुछ अपवाद जो ऐसे स्टडीज हुई जो ऐसे शोध हुए वो मैं अभी आपके सामने उसकी चर्चा करूंगा तो आपको इसकी एक बेहतर समझ मिल पाएगी 1966 के दौरान एक शोध किया गया एक शोध कार्य किया गया जो गार्सिया एंड कॉलिंग जो उनके सहयोगी थे उन दोनों ने मिलकर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया एक इस प्रकार का शोध उन्होंने तैयार किया जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया जानने का कि क्या ये जितने भी सिद्धांत हैं अनुबंधन के जो अभी तक जिसको माना जा रहा था कि वो पूर्ण रूप से कार्य करते हैं और उसके जो सिद्धांत जिनको स्थापित किया गया है वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं तो उन्होंने इसको लेकर के एक शोध डिजाइन किया और उस शोध में जिसका जिक्र यहाँ पर देखिए आप ये दिया भी हुआ है कि उन्होंने इस शोध में कुछ चूहों को लिया कुछ रैट्स को और उस शोध के दौरान उन्होंने वहां पर उन चूहों को कंडीशन स्टुम्बलस के कई प्रकार के कंडीशन स्टुम्बलस का इन्होंने उसमें उपयोग किया अपने शोध में और वहाँ पर उन्होंने उसकी पेयरिंग अनकंडीशनड स्टुम्बलस से करने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने कंडीशन रिस्पॉन्स ठीक उसी प्रकार से जनरेट किया जो कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स का ही एक प्रतिरूप है तो इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने किया इस शोध को समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि उन्होंने दो प्रकार के ग्रुप बनाए जिसमें एक ग्रुप ए था और एक ग्रुप बी और ग्रुप ए में जो रेट्स थे यानी उसमें जो चूहे थे उनको उन्होंने एक्सपोज किया तीन तरह के यहां पर हम कहेंगे कि एक फ्लेवर्ड वाटर और एक लाइट वैसे उन्होंने इसको फ्लैश लाइट की तरह लिखा है लेकिन हम यहां पर इसको लाइट की तरह ही बातचीत करेंगे ताकि ये आसानी से हम इसको समझ सकें और एक तीसरा हम इसको साउंड की तरह लेंगे एक साउंड की एक टिक की आवाज वहां पर उन्होंने इस्तेमाल की थी अपने इस एक्सपेरिमेंट में और ठीक यही स्टूमलस बिल्कुल यही सेम स्टमलस उन्होंने जो बी ग्रुप के जो रेड्स थे उनको भी ये जो ग्रुप्स हैं हमारे ये रैट्स के ग्रुप हैं अलग अलग इनके ग्रुप बनाए थे उन्होंने ए और बी और उनको ये तीन तरह के कंडीशन स्टूम्लस का उन्होंने कंडीशनिंग कराई उनको और जो अनकंडीशन स्टुम्लस इन दोनों कंडीशंस में था वो यहां पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट था यानी ये इनका सी है कंडीशन स्टुम्बलस इन दोनों के लिए सेम है और यहां पर ग्रुप ए को उन्होंने एक्सरे का इस्तेमाल किया और यहां पर उन्होंने शॉक का इस्तेमाल किया अब हम देखते हैं कि एक्सरे जो है यहां पर यूसीएस का काम करता है और यहां पर शॉक यूसीएस का काम कर रहा है और इसमें एक्सरे देने के बाद जो इसका रिजल्ट है यानी जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो है नोजिया और डिजीनेस और यहां पर शॉक का जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो है पेन तो हम यहां पर देख पा रहे हैं और इसको भी उन्होंने यूसीएस यहां पर अपने एक्सपेरिमेंट में रखा अब आइए इस एक्सपेरिमेंट की चर्चा करते हैं इसमें आप देखिए कि जो ग्रुप ए है उसको फ्लेवर्ड वाटर का एक सोर्स दिया गया जिसको जाकर के वो जब चाहे वो उसको पी जैसे ही वो उसको पीने जाते थे वो सोर्स वहाँ पर रखा हुआ है और जैसे ही जिस मोमेंट पे वो रेड्स फ्लेवर्ड वाटर को सिप लेते थे उसको जैसे ही वो पीते थे ठीक उसी समय पर लाइट का फ्लैश आता था और ठीक उसी समय पे साउंड की भी आवाज़ आती थी और ठीक उसी समय पे उनको एक्सरे से गुजारा जाता था यानी उन पर एक्सरे की किरणें छोड़ी जाती थी और दूसरे जो ग्रुप के जो रेट्स थे उनके ऊपर शॉक का प्रयोग किया जाता था तो इस तरह से काफी जब ट्रायल्स पूरे हो गए तो ये पाया गया कि अब दोनों ग्रुप्स की कंडीशनिंग की जो आ, जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद अब उनके बिहेवियर में चेंजेस देखने का अब देखा गया कि किस तरह से क्या कंडीशनिंग यहाँ पर भी उसी तरह से कार्य कर रही है जैसे इसके पूर्व में जैसा बताया गया है सिद्धांतों में तो यहाँ पर कुछ अलग रिजल्ट्स देखने को मिले जिसमें से पहला जो चौंकाने वाला रिज़ल्ट था वो ये था कि जो एक्सरे वाली कंडीशन है इसमें हम ये देख सकते हैं कि चूँकि एक्सरे जो है वो एक ऐसा यहाँ पर हम देखेंगे कि एक ऐसा रिस्पॉन्स है जिसकी वजह से उनको नोजिया या डिजीनेस हो रहा है तो ऐसे में वो ये जान जाते हैं कि जो लाइट और जो साउंड है ये भी उनके अंदर इसी प्रकार का व्यवहार उत्पन्न करेगा और जो फ्लेवर्ड वाटर है इसको भी वो उसी से जोड़ेंगे इसका मतलब है कि वो ये जान जाएंगे कि जो कंडीशनड स्टमलस है ये कहीं ना कहीं नोजिया और डिजीनेस को रिप्रेजेंट करेगा या उस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा इसी के साथ जो बी ग्रुप है उसके अंदर भी इन तीनों कंडीशन स्टूबलस की अवस्था में उनको इस उन्होंने इसे शौक से जब एसोशिएट कर लिया और उस शौक़ से जनित जो पेन है उससे भी इन्हें एसोशिएट कर लिया तो ये देखा गया उस फाइंडिंग में कि जो ग्रुप ए के जो रेट्स थे उन्हें दोबारा जब फ्लेवर्ड वाटर उनके सामने रखा गया तो उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर का सिप नहीं लिया यानी कि उनकी कंडीशनिंग पूरी हुई लेकिन जो ग्रुप बी था जिसने फ्लेवर्ड वाटर पीने के बाद उसको पेन वहाँ पर दिया गया लेकिन उसके बावजूद उस पेन का एसोसिएशन कंडीशनड रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए कंडीशनड स्टूमलस के साथ उसके बावजूद वो वहाँ पर फ्लेवर्ड वाटर को जब उन्हें दोबारा वो दिया गया तो उन्होंने उसको सिप लिया यानी कि ये दर्शाता है कि कंडीशनिंग की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण नहीं होती है और इसका जो कारण बताया गया वो इस प्रकार है क्योंकि रेट्स जो हैं रेट्स में जो शौक को समझने की जो उनकी समझ है जो पेन को वो समझते हैं वो पेन का कारण कभी भी वाटर को नहीं मानते वो पेन का कारण लाइट को और साउंड को मानते हैं और ऐसी उनकी ब्रेन की ब्रेन की उनके मस्तिष्क में इस तरह की प्रोसेसिंग है कि वो ये जानते हैं कि खाने की वस्तु से उनको दर्द नहीं होता बल्कि जो भोजन की जो वस्तु है उससे उनको नोज़िया और डिजीनेस की शिकायत या इस तरह की उनको परेशानी हो सकती है इस वजह से उनके ब्रेन के मैकेनिज़्म में यहाँ पर केवल एक्सरे वाली कंडीशन में उनकी कंडीशनिंग पूरी होती है लेकिन जो नॉर्मल जो दूसरी कंडीशन है जिसमें केवल उनको पेन दिया जाता है शॉक के माध्यम से वहाँ पर वो ये समझने में पूरी तरह से सक्षम रहते हैं कि यहाँ पर जो शौक है उसका कारण फ्लेवर्ड वाटर नहीं है इस वजह से वहां पर यह कंडीशनिंग पूर्ण नहीं हो पाती है तो जैसा कि यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं वहाँ पर यह ठीक प्रिंसिपल इस वजह से क्योंकि उनकी जो बायोलॉजी है जो रेड्स की जो बॉडी मैकेनिज़्म है जो उनका ब्रेन का जो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है इस वजह से उनके अंदर और इसके बाद जो हम एक और इसका कारण यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो स्पष्टीकरण इस है कि ऐसा क्यों हुआ तो उसका एक और स्पष्टीकरण यह है कि रेट्स जो हैं चूंकि वो ज्यादातर अपना जो समय है भोजन खोजने में या बाहर निकलने में वो हमेशा ज्यादातर इस तरह का कार्य अंधेरे में करते हैं तो चूंकि वो इस तरह के काम अंधेरे में करते हैं तो वो उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट होता है तो ऐसे में वो अपनी बीमारी या इस तरह के जो भी लक्षण उन्हें होते हैं उसका कारण और चूंकि वो भोजन को देख नहीं पा रहे होते हैं कि उन्होंने क्या कंज्यूम किया क्या उन्होंने अपने शरीर में उसको भोजन की तरह लिया ग्रहण किया तो ऐसी अवस्था में जो रेट्स हैं उनको ये जो अपना बीमारी का वो कारण हमेशा भोजन को देते हैं इसी कारण से हमने जो एक्सरे वाली कंडीशन में ये पाया कि वहाँ पर कंडीशनिंग पूरी हुई और इसके बाद उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर ग्रहण नहीं किया लेकिन जो पेन की कंडीशन है उस कंडीशन में उन्होंने फ्लेवर्ड वाटर को पीना प्रिफर किया क्योंकि वो ये जानते थे कि जो फ्लेवर्ड वाटर है उसके कारण से पेन उनको नहीं हो रहा है तो इस वजह से वहाँ पर उनकी कंडीशनिंग पूरी नहीं होती है यानी हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकली हम इस तरह से डिजाइंड होते हैं इस तरह के एक अपवाद एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि बायोलॉजिकली हम सभी हमारे अंदर कुछ प्रेफरेंसेस हैं कुछ हमारे इस तरह के मैकेनिज़्म इनबिल्ट मैकेनिज़्म है जो हमारी इस कंडीशनिंग की प्रक्रिया को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं या उसको प्रभावित जरूर करते हैं इस वजह से जो हमारी कंडीशनिंग की जो प्रक्रिया है वो जैसी बताई गई है या जिस तरह से एक्सपेरिमेंट में उसको स्थापित करके दिखाया गया है वो असल जीवन में यानी रियल लाइफ में वो ठीक उसी प्रकार से हर बार कार्य करे ये जरूरी नहीं है इसीलिए इसको एक अपवाद के रूप में देखा गया है और इसी के साथ साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में जब ये देखा गया कि जो बर्ड्स होती हैं यानी जो चिड़िया होती हैं वो किस प्रकार से अपनी बीमारी जो उनकी बीमारी है चूँकि वो ज़्यादातर समय अपना जो ज़्यादातर भोजन वो खोजते हैं वो विजन के माध्यम से खोजते हैं तो इसलिए वो दृष्टि के जो संबंधित जितने भी स्टूमलस हैं जो विजन से संबंधित हैं वो उसे अपनी बीमारी का कारण मानते हैं या उसमें वो कंडीशनिंग उनकी हो पाती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं और इसी अपवाद की श्रेणी में एक और रिस्पॉन्स जो एक और एक्सपेरिमेंट है उसका भी हम चर्चा करेंगे जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग की चर्चा इस तरह से करेंगे कि उसके क्या व्यवहारिक उपयोग हैं तो वहाँ पर भी हम आ, टेस्ट एवर्जन की बात करेंगे जो कंडीशनड टेस्ट एवर्जन की हम जब बात करेंगे तो वहाँ पर उसको हम दोबारा से एक अपवाद के स्वरूप में और किस प्रकार से उसका उपयोग हम आ, आ, अपनी लाइफ में या अपने प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से उसका हम लाभ लेते हैं उसका भी हम लोग एक यहाँ पर उदाहरण देखेंगे अब यहाँ पर एक और परिपेक्ष्य है हमारे पास और वो है संज्ञानात्मक परिपेक्ष और संज्ञानात्मक परिपेक्ष में जैसा हम देख सकते हैं कि अनुबंध में प्रत्याशा का महत्व तो, यानी एक्सपेक्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है और इसी वजह से जो सी और यू की पेयरिंग है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए यानी निरंतरता उसमें होनी चाहिए वो अगर रैंडम होगा यानी कई बार सी प्रेजेंट है और यू प्रेजेंट नहीं है कई बार यू प्रेजेंट है लेकिन सी प्रेजेंट नहीं है या दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो इस प्रकार की अगर रैंडम हम एसोसिएशन कराएंगे तो जो हमारी जो कंडीशनिंग है वो पूरी नहीं हो पाएगी इसलिए क्योंकि जब तक सी जो है वो यू का प्रिडिक्शन यानी कि उसकी प्रत्याशा हमारे लिए जो उसका एक जानकारी है कि वो कब प्रकट होगा उस जानकारी का जब तक वो एक महत्वपूर्ण हमारे लिए वो एक सोर्स नहीं बन पाएगा तब तक एसोसिएशन यानी अनुबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी ऐसे में इसीलिए जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सी को हमेशा यू का पूर्वानुमान करने की स्थिति में होना चाहिए और ऐसा होगा तभी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमारे इस तरह से काम करेंगे कि सी और यू को आपस में एसोसिएट कर पाएंगे इसलिए सी को हमेशा यू का पूर्वानुमान लगाना होगा उसका प्रिडिक्शन करना होगा कि कब यू प्रकट होने वाला है इसके बाद हम जो चौथा एक और इसमें पॉइंट है जिसमें हमने ब्लॉकिंग की प्रक्रिया का जिक्र किया है यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्वानुमान का अभाव और इसको हम अपने एक, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से एक, एक एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर हम अगर बेल को ही दोबारा ले लें अगर बेल हमारा सी एस है और यूसीएस जो हमारा है वो हमेशा की तरह जो हमने एक्सपेरिमेंट में अभी तक चर्चा की फूड को ही रखते हैं और सलाइवा सेक्रीशन को हम यूसीआर रखते हैं तो ऐसी अवस्था में कंडीशन स्टूमुलस का कंडीशन स्टुम्बलस प्रिडिक्ट कर रहा है अनकंडीशनड स्टुब्बलस को और अनकंडीशन स्टुम्बलस की वजह से जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बाद जो कंडीशनिंग है वो अभी तक हम इसको बेहतर समझ गए हैं लेकिन क्या हो यदि इसी समय एक और साथ ही साथ अगर एक और न्यूट्रल स्टुम्बलस इसके साथ प्रयास किया जाए पेयर करने का और इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए और उसमें यह पाया गया कि अगर ये बेल है इसके साथ ही साथ एक और उस समय मान लीजिए लाइट का प्रयोग किया गया उसके बाद एक बार ये अनुबंधन हो पूर्ण होने के बाद ये बेल और फूड का अनुबंधन पूर्ण होने के बाद अगर वहाँ पर एक और लाइट को भी रखा गया तो उस लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि लाइट वहाँ पर चूंकि किसी प्रकार की कोई उपयोगी जानकारी नहीं प्रदान कर रही है वो किसी भी तरह से जैसा हमने देखा ना तो वो यू का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है ना ही वो हमारी एक्सपेक्टेंसी को आ, पूर्ण करने में सक्षम है क्योंकि उससे हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो इस कारण से चूंकि वो काम तो सी एस यहाँ पर जो बेल है वो पहले से ही कर रहा है तो ऐसे में हमें एक और स्टुम्बल से अपने आप को अपनी एसोसिएशन को पेयरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए यहाँ पर इसको ब्लॉकिंग की संज्ञा दी गई और इस ब्लॉकिंग के फिनोमिनन की वजह से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो लाइट है जो एक और न्यूट्रल स्टूबलस उसी समय प्रेजेंट किया गया उसका कंडीशनिंग नहीं हो पाया तो ये ब्लॉकिंग की प्रक्रिया है जिससे हम ये समझते हैं और यह भी एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखा कि जब एक बार एक कंडीशनड स्टुब्लस वहाँ पर जनरेट हो गया तो उसके बाद एक दूसरे कंडीशन स्टम्बलस की वहां पर आवश्यकता उसी यूसीएस के लिए नहीं है तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक और शोध कार्य की चर्चा करेंगे जिसमें कुछ शोधार्थियों ने कुछ पार्टिसिपेंट्स के दो ग्रुप बनाए एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी और ठीक उसी तरह से जैसे अभी तक हम चर्चा करते आए हैं उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया बस यहाँ पर उन्होंने जो डिफरेंस रखा जो चेंज रखा वो ये था कि ग्रुप ए को उन्होंने एक न्यूट्रल स्टूमलस यानी कि एक ऐसा स्टुम्बलस उनको प्रस्तुत किया सपोज यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि उन्होंने एक प्रकार का उनको कहा कि आप यहाँ पर इस चीज़ को देखिए जैसे एक उनको कह सकते हैं कि आ, उनको फूल देखने के लिए ही कहा गया कि ये आपके सामने ये फूल रखा हुआ है और उसके तुरंत बाद उसके बाद सपोज उनको इस तरह का एक कंडीशन दिया गया जहाँ पर उनको कुछ पेन हुआ तो उसको अनकंडीशनड स्टुम्बलस उनको प्रेजेंट किया गया उसके साथ लेकिन दूसरी जो अवस्था है यानी दूसरा जो ग्रुप है उसमें उनको वो जो स्टूम्लस दिया गया वो स्टूम्लस उनको फिजिकली प्रेजेंट नहीं किया गया बल्कि उनसे ये कहा गया कि यहाँ पर आप उस स्टूबलस की इमेज अपने दिमाग में सोचिए यानी उसके बारे में अपना विचार लाइए और जैसे ही वो विचार आपको आए आप बताइए और जैसे ही वो ये बताते थे कि हाँ हम उसका विचार कर रहे हैं ठीक उसी समय पे उनको अनकंडीशनड स्टूमुलस और इस एक्सपेरिमेंट में उनको एक पेनफुल कंडीशन दी जाती थी जिसमें कि उनको एक तरह का दर्द का आभास हो तो जो कि हार्मफुल नहीं था लेकिन उनको एक दर्द का आभास कराया गया तो इस तरह पे इस तरह की जो पेयरिंग की गई उसमें यह देखा गया कि इन दोनों ही कंडीशंस में एक बार यहाँ पर फिजिकल स्टूबुलस प्रेजेंट नहीं है जबकि कंडीशन ए में नॉर्मली जैसा इसके पहले जो कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स चलते थे उसमें फिजिकल स्टूमलस प्रेजेंट था और बाद में वो कंडीशनिंग होने के बाद वो न्यूट्रल स्टूमलस कंडीशनड स्टूमलस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर ये यह देखा गया कि चूंकि यहाँ पर जो स्टूमलस था न्यूट्रल स्टूमलस वो केवल इमेजिनेशन में था उसके बावजूद वो इमेजिनेटिव स्टूमलस कंडीशनड स्टूमलस में चेंज हो गया यानी कंडीशनिंग की प्रक्रिया यहाँ पर भी पूर्ण हुई जबकि फिजिकली वो स्टिमुलस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मेंटल इमेजरी की बात की गई है केवल हम उसका एक इमेज अपने मेंटल लेवल पे एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं और उस इमेज से हम उस स्टिमुलस को एक कंडीशनड स्टिमुलस में कंडीशनिंग उसकी हो रही है तो इस प्रकार से इसके अलावा ये जो दो अंतिम बिंदु हैं ये अभी तक आपको कुछ हद तक स्पष्ट हो गए होंगे कि क्लासिकल अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वो हालांकि जितनी ऑटोमेटिक प्रोसेस उसको समझा जाता है या माना जाता है वो उतनी ऑटोमेटिक ना हो करके कहीं ना कहीं उस पर हमारे कुछ हमारे कंट्रोल हैं हम कंट्रोल तो नहीं कहेंगे उसको बल्कि हम ये ज़रूर कहेंगे कि उस पर कुछ प्रभाव है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का और इसी से संबंधित एक और फैक्टर है जो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा ताकि आप उसको समझ सकें और वो है फेमिलियरिटी का यानी कि जब हम किसी स्टुम्लस से चूंकि हमने देखा कि अभी तक ज़्यादातर जो शोध हुए वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हुए और वहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड सेटिंग है और उसके साथ ही साथ वहाँ पर जो उद्दीपक का चयन था यानी न्यूट्रल स्टमलस का जो चयन था वो अभी तक शोधार्थी या जो शोधकर्ता थे वो अपने अनुसार उसको चुन रहे थे और एक कंट्रोल्ड सेटिंग में उसको प्रेजेंट कर रहे थे लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी रियल लाइफ में हम देखते हैं कि इस प्रकार की सेटिंग संभव नहीं हो पाती है और हमारे जो स्टूमलस हमारे सामने आते हैं वो कई बार हमसे इतने ज़्यादा फेमिलियर होते हैं और हम उनके बारे में पूर्व से ही इतना जानते हैं कि उनके किसी विशेष यहाँ पर कह लें कि यू को अगर हम रखें यानी किसी अनकंडीशन स्टुम्बलस के साथ उनकी पेयरिंग हो पाना उतना आसान नहीं होता क्योंकि हमारे उस स्टूमलस के हमारे लिए और भी बहुत से मायने होते हैं या उनके और से और भी बहुत से हमारे लिए उसके उससे जुड़े हुए थॉट्स होते हैं मेमोरीज होती हैं तो इस कारण से यहाँ पर हम जो ये पॉइंट रख रहे हैं वो इसी को दर्शाता है और इसके बाद अब हम आगे चर्चा करेंगे जो हमें क्लासिकल कंडीशनिंग क्लासिकल अनुबंधन के हमारे जो एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जब हम बात करते हैं यानी उसका जो व्यवहारिक उपयोग है इस प्रकार का जो अनुबंधन है उसका हम अपने डेली लाइफ में या अपने रूटीन में हम किस तरह से उसका एप्लीकेशन करके लाभ उठा सकते हैं या इस प्रिंसिपल का इस सिद्धांत का उपयोग करके हम कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको पूर्ण कर सकते हैं हम उसकी एक यहाँ पर प्रयास करेंगे एक समझ बनाने की तो जो सबसे पहला जो इसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है ई जो शॉर्ट फॉर्म है फॉर इमोशनल कंडीशन रिस्पॉन्स और ये यहां पर यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो फोबिया एक डेवलप होता है वो कहीं ना कहीं उसका एक जो कारण है वो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग में यानी उसका एसोसिएशन कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से इस प्रकार से हमारे पिछले जीवन में यानी एक्सपीरियंस में हमारे कभी ना कभी इस प्रकार का एक घटना या कोई इस तरह का इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से आज हमारे अंदर ये फोबिया डेवलप हुआ है तो इस प्रकार से जब फोबिया की ये एक बेहतर समझ हमें मिल पाती है और हम उसके वजह से जो इमोशनल कंडीशन रिस्पॉन्स हमें जो जनरेट होता है उसकी जब हमें एक समझ मिली क्लासिकल कंडीशनिंग uh, की वजह से तो फोबिया का ट्रीटमेंट हम उसी के आधार पर इस जानकारी के आधार पर हम फोबिया के ट्रीटमेंट को भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि हम अब ये जानते हैं कि ये जो फोबिया का जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है या इसकी वजह से जो समस्या हमें आ रही है वो कहीं ना कहीं पास्ट में हमने उसको सीखा है यानी जिस चीज़ से हमें फ़ोबिया है उसको कहीं ना कहीं हमने एसोशिएट किया है अपने इस फियर से इस वजह से हमारे अंदर वो फियर बढ़ गया है तो इसका ट्रीटमेंट इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रीटमेंट भी प्लान किया जाता है इसके बाद कंडीशन टेस्ट एवर्जन की जैसा मैं आपको पीछे भी बता रहा था कि ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में एक अपवाद आव, की तरह है क्लासिकल कंडीशनिंग में और इसमें पहले इसको हम समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि क्लासिकल कंडीशनिंग में जो कंडीशनड टेस्ट एवर्जन की बात की गई है इसमें दो तीन तरीके से ये अपवाद के तौर पर है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए पहला चूंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में ये कहा गया है कि सी और यू की जो पेयरिंग है वो बार बार की जानी चाहिए यानी उसको कई बार दोहराया जाना चाहिए लेकिन कंडीशनड टेस्ट एवर्जन में और उसका जब मैं एक उदाहरण आपको दूंगा तो आप उसको काफ़ी स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे जैसे कभी आप खुद ही या तो इसको याद कर सकते हैं या कभी किसी अपने परिवार में या कभी किसी दूसरे व्यक्ति से जब आप कभी संपर्क में आएंगे और इस तरह की जब आप बात सुनेंगे या हो सकता है आपने सुनी भी हो कि उन्होंने एक बार एक ऐसा भोजन या एक ऐसा कुछ खाया कहीं पर और उसके बाद उनको तुरंत वॉमिटिंग हो गई या उसके बाद उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद से फिर उन्होंने वो वस्तु खाना या वो पदार्थ खाना छोड़ दिया तो इस प्रकार का आपको कई बार उदाहरण देखने को आम जीवन में मिल सकता है और ये जब हम इस तरह का उदाहरण देखते हैं तो यहाँ पर जो हुआ वो पूरी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग यानी क्लासिकल अनुबंधन ही हुआ यानी हमने एक पदार्थ को खाया और उसके बाद हमारी जो तबीयत खराब हुई उससे हमने उसको एसोशिएट कर लिया और उसके बाद अगली बार से जब भी वो पदार्थ हमारे सामने आया तो हमारे अंदर वो वॉमिटिंग का वो रिस्पांस जनरेट होने लगा और जिसकी वजह से हम उस स्वाद से या उस पदार्थ से अपने आप को दूर कर लेते हैं यानी उससे एक दूरी बना लेते हैं उसको त्याग देते हैं यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का जो घटना है वो केवल एक बार में यानी केवल एक बार भी घटित होने पर यह घटना हमारी कंडीशनिंग को मज़बूत बना देती है और वो इसको इतना मजबूत बना देती है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक्सटेंक्शन की प्रक्रिया है जिसका अभी तक हमने जिक्र किया वो एक्सटेंक्शन की प्रक्रिया भी नहीं के बराबर होती है यानी कि ये जो एवर्जन ऑफ द टेस्ट डेवलप होता है स्वाद के प्रति ये जो अभिरुचि डेवलप होती है ये आजीवन रह सकती है यानी कि हो सकता है वो व्यक्ति दोबारा कभी उस तरह का भोजन या उस तरह का पदार्थ उस तरह का स्वाद दोबारा कभी चखना पसंद ही ना करे तो ये एक्सटेंशन से भी ये एक्सटेंशन की जो जो सिद्धांत है ये उससे भी अलग जाता है एक अपवाद के तौर पे और यहां पर एक और चीज हम देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि जो कंडीशनड स्टूम्लस यानी जो भोजन उसने किया है या जो जिस तरह का पदार्थ उसने सेवन किया है उसका जो समयावधि जो अंतर है अनकंडीशनड स्टूबलस में यानी हो सकता है आपने भोजन चार घंटे पहले किया हो लेकिन आपकी तबीयत शाम को जाकर के खराब हुई हो यानी चार घंटे बाद जाके खराब हुई हो उसके बावजूद ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है कि दोनों के बीच की समयावधि बहुत कम होनी चाहिए या बिल्कुल साथ साथ यानी आसपास होनी चाहिए लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है समय का उसके बावजूद ये कंडीशनिंग वहाँ पर डेवलप होती है तो इस तरह से ये कुछ उसके अपवाद हैं जो मैंने आपसे बताया था कि इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे लेकिन इसके बाद इस तरह की जो जानकारी है उसका उपयोग हम किस प्रकार से अपने रियल लाइफ में उसका उपयोग कैसे करेंगे तो एक यहाँ पर हम एल्कोहलिक प्रॉब्लम को उससे ट्रीट करने का प्रयास कर सकते हैं उसका हम उस समस्या से निजात पाने के लिए जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे हम एल्कोहलिक पर्सन जब भी एल्कोहल कंज्यूम करेगा तो उसके अंदर नोज़िया या वमिटिंग की फीलिंग उसको आएगी और इस कारण से वो हर बार एल्कोहल को उसका कारण मानते हुए यानी कंडीशनिंग का जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो उसे कुछ समय बाद ये लगने लगेगा कि वो एल्कोहल पीता है इस वजह से उसको वॉमिटिंग या नौजिया होता है या डिजीनेस होती है इस कारण से अगली बार कुछ समय के बाद जब ये रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा यानी जब कंडीशनिंग पूरी हो जाएगी तो वो व्यक्ति आगे से इसकी एक बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो एल्कोहल लेना पसंद नहीं करेगा इसके बाद जो कुछ कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो कीमोथेरेपी से गुजर रहे होते हैं कीमोथेरेपी का जो पूरा एक जो सेशन होता है वो काफ़ी कष्टदायक होता है और अक्सर उसके बाद लोगों को वॉमिटिंग नोजिया और इस तरह के बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज उनको होते हैं लेकिन इसके बाद कई बार ये पाया गया है कि कुछ लोगों ने उसके बाद बहुत सारे भोजन ऐसे हैं जो वो अवॉइड कर देते हैं या उसको खाना पसंद नहीं करते और इस कारण से उन्हें बहुत समस्याएं आती हैं लेकिन इसको दूर करने के लिए यहाँ पर ये देखा गया कि अगर इस तरह के पेशेंट्स को ये सुझाव दिया जाए या उनको इस प्रकार से तैयार किया जाए कि उनको जब भी कीमोथेरेपी का सेशन देना हो उसके कुछ समय पहले तक उनको भोजन ना कराया जाए ताकि उनके अंदर इस प्रकार का एसोसिएशन भोजन का और जो उसके आफ्टर सिम्टम्स हैं कीमोथेरेपी के उनके बीच में एसोसिएशन न बन पाए इसके बाद एक और तरीका ये होता है कि उनको इस प्रकार का भोजन दिया जाए जिससे जो उनके लिए नया न हो वरना नए भोजन को वो इसका कारण मान सकते हैं या उनका ब्रेन एसोसिएट करेगा लेकिन यदि उनको इस प्रकार का भोजन जो वो पूर्व में भी करते आए हैं और उसको उन्होंने हमेशा निरंतर किया है जिससे उनको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ तो इसकी बड़ी कम संभावना है कि उस उस भोजन से भी उनको अभिरुचि पैदा हो जाएगी या उसके प्रति उनकी एक एवर्जन उनको उनके अंदर आ जाएगा तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक और तरीका होगा उनके अंदर इस तरह की कंडीशनिंग ना डेवलप होने देने का इसके साथ ही साथ इसका एक और तरीका ये भी इसका हम इससे पता लगाते हैं कि उनको कोई भी फ्लेवर्ड फूड इस समय ना दिया जाए क्योंकि वो फ्लेवर से भी उस कंडीशन को जोड़ सकते हैं यानी वहाँ पर एसोसिएशन करने के बाद उस फ्लेवर से उनको एक तरह की चिड़ या एक तरह की एलर्जी हो जाएगी तो इस तरह से कीमोथेरेपी पेशेंट्स का यहाँ पर हम ध्यान रख सकते हैं इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल है जो आपके लिए यहाँ पर वो है जंगली जानवरों को जंगली जानवरों को पशुधन से दूर रखने का एक तरीका है और ये ये अमेरिका वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर जो लाइव स्टॉक है यानी पशुधन है उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ के जंगली जानवरों से उनको इस प्रकार का कुछ बीफ या कुछ मांस के टुकड़े उनको दिए जाते हैं जिसमें वहाँ लिथियम क्लोराइड में उसको डुबा करके या उसका वहाँ पर उसके साथ उसको मिला करके के वो बीफ का टुकड़ा उनको प्रेजेंट किया जाता है यानी उनके लिए फेंक दिया जाता है ताकि जब वो उसको खाएं तो उनकी तबीयत खराब हो और तबीयत केवल ख़राब होती है उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं उनको कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता है और इसके बाद वो दोबारा से इस तरह का मीट खाने की उनकी इच्छा न हो तो वो किसी भी जानवर पे यानी भेड़ या बकरी पे या गाय पे हमला नहीं करेंगे तो इस तरह का भी एक ये प्रयोग या इस तरह का एक इसका उपयोग किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसके आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो है क्लासिकल अनुबंधन तथा ड्रग डिपेंडेंसी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं क्लासिबन आ, क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत की सहायता से ड्रग डिपेंडेंसी में अक्सर ये पाया गया है कि जो उसका सेवन करने वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो जब भी उस प्रकार का जो जैसे वो एक पर्यावरण देखते हैं जहाँ पर जैसे सपोज जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो केवल सिरिंज को देख करके ही उनके अंदर ये इच्छा आ जाती है उनके अंदर वो उस तरह का कंडीशन रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है क्योंकि सिरिंज उनके एक्चुअल ड्रग से वो कंडीशन हो चुकी है वहाँ पर सी एस यू सी एस की पेयरिंग हो चुकी है इस कारण से जैसे इस उदाहरण में हम समझेंगे कि सी इंजेक्शन जो है वो सी एस है और जो उनका नशे के बाद जो इफेक्ट उनको आता है वो उनका कंडीशन रिस्पॉन्स है तो मात्र उसका एक विजन यानी सिरिंज ही उनको देखने के बाद इस तरह की फीलिंग उनके अंदर बढ़ जाती है तो वो इस प्रकार प्रकार की जो ड्रग की डिपेंडेंसी है या उनकी ड्रग की जो क्रेविंग है वो बढ़ने लगती है तो लेकिन यदि हम उनको इस तरह के एनवायरनमेंट से दूर रखें जहाँ पर कि इस तरह के पदार्थ या इस तरह की जो भी व्यवस्था है उससे यदि हम उनको दूर रखें तो एक बहुत हद तक ये संभावना बनती है कि हम शायद उनकी ड्रग डिपेंडेंसी को या जो उनका ड्रग एडिक्शन है उसको कम कर पाएँ या उससे उनको रोक पाएँ इसके बाद एक और उभरता हुआ जो शोध है वो क्लासिकल अनुबंधन तथा प्रतिरक्षा छन, जो तंत्र है हमारा इम्यून सिस्टम उसके बारे में किया जा रहा है जिसमें एक छोटा सा शोध है जिसकी मैं चर्चा यहाँ आपसे करूँगा जिसमें कुछ चूहों को एक इंजेक्शन लगाया गया और वो इंजेक्शन इस तरह का था कि जिसके जिसके प्रभाव से एंटीबॉडीज़ बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ जब वो इंजेक्शन उनको लगाया गया तो उनको कुछ खाने के लिए भी उस समय पदार्थ दिया गया और ऐसे में जब वो इंजेक्शन का प्रभाव था कि उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ बढ़ी लेकिन उनके बॉडी ने ये एक कंडीशनिंग डेवलप की कि ये वस्तु खाने से हमारे अंदर एंटीबॉडीज uh, का लेवल बढ़ रहा है तो इसके बाद अगली बार जब उनको वही चीज़ दोबारा खिलाई गई और वहां पर किसी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया तो वहां पर देखा गया कि जो उनकी एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो थोड़ा बढ़ा हुआ था तो इसके कुछ प्रैक्टिकल मायने हो सकते हैं यदि इस तरह का कोई रिस्पांस हमें मिलता है जहां हम ये अपना इम्यून सिस्टम अपनी क्लासिकल कंडीशनिंग की मदद से अगर इसको हम एनहांस कर सकें या उसको मजबूती प्रदान कर सकें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट होगा हमारे हेल्थ के क्षेत्र में अब हम इसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग की चर्चा करेंगे अपने इस बचे हुए सत्र में और यहाँ पर हम देखते हैं कि बी एफ स्किनर जिन्होंने 1938 के आसपास ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की और अपने इस सिद्धांत में वो बहुत हद तक थॉन्डाइक के उनके जो पुराने एक्सपेरिमेंट्स थे जो पूर्व में किए गए थे उससे वो काफ़ी प्रेरित थे और उन्होंने यूँ कह लीजिए कि बी एफ स्किनर जैसा मैंने पहले भी कुछ चर्चाओं में कुछ सत्र में आपको ये बताया है कि बी एफ स्किनर एक बहुत ही बड़े बिहेवरिस्ट यानी व्यवहारवादी थे और उन्होंने व्यवहारवाद को यानी बिहेवरिज्म को मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा दिया इसको बहुत प्रमोट किया बहुत आगे तक ले गए और उसी के साथ उनका इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर था कि हमें केवल ऑब्जर्वेबल हमें मतलब मनोवैज्ञानिकों को केवल ऑब्जर्वेबल एक्शंस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का प्रयास करना चाहिए इसी के साथ उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत दिया जो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत था उसमें उन्होंने अभी तक क्लासिकल कंडीशनिंग में जो पूर्व में चला आ रहा था कि जहां हम एक स्टुम्बलस की दूसरे स्टुम्बलस से एसोसिएशन की पेयरिंग की बात कर रहे थे यहां पर स्किनर ने इसको थोड़ा सा इसका रूप बदला स्वरूप बदला और यहां पर उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की जिसमें कॉन्सिक्वेंसेज आर इम्पॉर्टेंट यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहा है जो परिणाम आ रहा है वो यहाँ पर बहुत महत्व रखता है कोई भी एक्टिविटी या कोई भी बिहेवियर जो हम करते हैं तो उसका परिणाम क्या हुआ उस परिणाम का एक बहुत बड़ा महत्व है और बी एफ स्किनर ने इसको स्थापित किया और वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हमारे जो भी व्यवहार हैं जो उनसे उनकी वजह से जो भी हमारा एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है कहीं ना कहीं उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंस यानी जो परिणाम आता है वो हमारे लिए एक री का काम करता है यानी कि जो परिणाम आया है जो कॉन्सिक्वेंस आया है वो ये तय करेगा कि भविष्य में दोबारा हम वो वो व्यवहार करेंगे अथवा नहीं करेंगे ये हमारा जो मौजूदा व्यवहार है वो मजबूत होगा या वो वीक होगा यानी कमज़ोर होगा अब इसको उदाहरण के तौर पे यदि हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर उन्होंने दो तरह की प्रक्रियाओं की बात की एक री की और दूसरी पनिशमेंट की उन्होंने बात की ये दो तरह की प्रक्रियाएं हैं और ये दोनों तरह की जो प्रक्रियाएं हैं इसमें उन्होंने और इसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे और इसमें उन्होंने यहाँ पर बात की प्राइमरी रिनफोर्सर की जिसमें कि उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे स्टूमलस हैं या इस तरह के बहुत सारे हमारे, हमारे आम जीवन में हमारे लिए रिनफोर्सर हैं जो कि हमें एक हमारे हमारे लिए एक रिवॉर्ड का, का काम करते हैं जैसे कि और वो रिवॉर्ड भी हो सकता है कई बार वो पनिशमेंट भी हो सकता है जैसे कि हमारे लिए अगर हमें कोई प्रशंसा करता है हमारी या हमें अच्छा भोजन मिलता है तो इस प्रकार के जो जो रेन्फोर्सर्स हैं वो हमारे लिए प्राइमरी होते हैं क्योंकि वो हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं या हम उनको बायोलॉजिकली प्रिफर करते हैं उनको हम पसंद करते हैं और कंडीशन री वो होते हैं जो हम समय के साथ सीखते हैं और उनको एसोसिएट करते हैं यानी यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग का उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में ये सीखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे लिए री हैं जो समय के साथ जिनको हम महत्व देना शुरू करते हैं या जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं जैसे कि अगर यदि हम कहें तो यहाँ पर हम मनी की बात करें यदि तो मनी किसी एक बच्चे के लिए कोई मायने नहीं रखता लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो मनी या पैसा उसके लिए बहुत मायने रखता है तो वो बाद में कंडीशन री बन जाता है तो इस प्रकार से प्रीमैक प्रिंसिपल की भी यहाँ पर हम एक चर्चा करेंगे कि प्रीमैक प्रिंसिपल के अनुसार हम इस प्रकार की जो भी हमारे ऐसे स्टूमलस हैं जो वाकई में खुद से वो बहुत हमारे लिए प्रभावशाली हैं या यूं कह लें कि वो हमारे किसी पर्टिकुलर रिस्पांस को जनरेट करने में सक्षम हैं जैसे अगर हम कहें तो एक बच्चे को यदि आप चॉकलेट देंगे छोटे बच्चे को तो जाहिर सी बात है आप चॉकलेट देके उसे ये कह सकते हैं कि एक गाना सुना दो तो वो शायद आपको गाना सुना दे यानी कि चॉकलेट की उसके लिए बहुत वैल्यू है तो उसी प्रकार से जब वो चॉकलेट जो यहाँ पर प्रभाव डाल रहा है यदि वही प्रभाव हम किसी और भी वस्तु के साथ किसी और स्टिमुलस के साथ जब उसको जोड़ देते हैं जिसका वैसे उस प्रकार से कोई प्रभाव या उस तरह का उतना मज़बूत प्रभाव नहीं होता वो एक मजबूत री नहीं होता तो ऐसे में वो प्रीमैक प्रिंसिपल बन जाता है जहाँ पर कि एक कमज़ोर री यानी एक ऐसा री जिसका उस तरह से हमारे लिए उतना महत्व नहीं है लेकिन किसी दूसरे मजबूत रिनफोर्सर के साथ स्ट्रॉन्ग री के साथ वो एसोशिएट करके वो भी वो प्रभाव या उस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कर पाता है या उसको स्ट्रेंदन करता है या उसको वीक करता है तो ये इसके बाद हम बात करेंगे एक और प्रकार के यहाँ पर जो इन्होंने चर्चा की और वो है दंड की यानी पनिशमेंट की और इसको जो अभी तक हमने री का पॉजिटिव एक सकारात्मक प्रबलक और दूसरा नकारात्मक प्रबलक और दंड का सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड यानी पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट की जो बात की उसको हम यहाँ पर एक चार्ट की मदद से समझने का प्रयास करेंगे और जिसमें हम ये देखेंगे कि ये आपस में किस प्रकार से अलग हैं तो पॉजिटिव री जो है वो हम यहां पर देखते हैं कि वो हमारे बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग बनाता है यानी कि जो रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स है जिसके रिस्पॉन्स में हमको पॉजिटिव री मिला है वो बिहेवियर वो रिस्पॉन्स मजबूत होगा यानी भविष्य में उसके होने की जो प्रबलता है या जो उसकी उम्मीद है वो बढ़ जाएगी और जो नकारात्मक प्रबलन है उसमें भी हमारी जो भविष्य में उस रिस्पॉन्स के होने की जो टेंडेंसी है वो स्ट्रेंदन होती है यानी वो मज़बूत होती है यानी इस प्रकार का जो व्यवहार है उसके दोहराए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है इसी तरह से सकारात्मक दंड में और नकारात्मक दंड में हम देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स जिसकी वजह से हमें ये प्राप्त हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है यानी कि इस प्रकार के व्यवहार को हम सप्रेस कर देते हैं और यहाँ पर इस तरह के व्यवहार के भविष्य में होने की जो गुंजाइश है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है अब इसको हम अगर कुछ उदाहरणों से समझें तो हमारे लिए ये ज़्यादा आसान होगा जैसे पहले केस में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि हम किसी बच्चे से ये कहें कि अगर आज आपने एक घंटा बैठकर पढ़ाई की तो हम आपको एक चॉकलेट देंगे तो ऐसे में बच्चा ये सीखेगा बच्चे के अंदर ये एक री का काम करेगा चॉकलेट और वहाँ पर वो ये पाएगा कि वो चॉकलेट इसलिए पा रहा है क्योंकि उसने पढ़ाई की तो भविष्य में उसकी जो पढ़ने की जो हम कह सकते हैं टेंडेंसी है वो प्रबल होगी यानी वो ये जानेगा इसके बाद कि अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे चॉकलेट हासिल होगी ये पॉजिटिव री का एक एग्ज़ाम्पल है इसके बाद जब हम नेगेटिव री की बात करते हैं तो यहाँ पर हम उसी बच्चे से ये कह सकते हैं कि यदि आपने ये कार्य पूरा किया तो ये कार्य यदि आपने किया तो आज आपको इसके बाद जैसे सपोज यहाँ पर हम नकारात्मक प्रबलन का एक उदाहरण देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं जैसे हम किसी बच्चे से ये कह सकते हैं उसको हम इस प्रकार से उसको एक रिफोर्सर दे सकते हैं कि यदि आप सब्जियां खाएंगे यदि आज आपने सब्जी खाई तो हम आपको डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि डेंटिस्ट के पास न ले जाना या डेंटिस्ट के पास जाने से बच्चा बचना चाहता है इसलिए क्योंकि वो उसके लिए नेगेटिव है वो वो कंडीशन तो वो वहाँ पर सब्जी खाएगा यानी जो सब्जी खाने की जो उसकी टेंडेंसी है जो बिहेवियर है वो उसका स्ट्रेंदन होगा वहाँ पर इसी प्रकार से जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट की बात करते हैं तो हम किसी बच्चे से अगर इस प्रकार से कहें कि आपको स्कूल में आपने लड़ाई अगर की तो आपको उसके बाद दंड मिलेगा यानी आपको उसके बाद डांट पड़ेगी या आपकी पिटाई हो सकती है तो यहाँ पर बच्चा ये जानेगा कि अगर उसने लड़ाई की तो उसकी पिटाई होगी इस वजह से वो लड़ाई करने से बचेगा तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे पॉजिटिव पनिशमेंट और इसके बात जो नेगेटिव पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम बच्चे को सीधा दंड नहीं देते परंतु हम उसकी कोई पसंदीदा जो चीज़ उसे बहुत पसंद है जो कार्य उसे बहुत पसंद है जो वो प्रिफर करता है करना हम उससे करने से उसे रोकेंगे यानी इसको उदाहरण के तौर पे यदि हम समझें तो हम उसी बच्चे से ये कह सकते हैं कि अगर आपने आज स्कूल में लड़ाई की तो आपको घर पे आके वीडियो गेम खेलने नहीं दिया जाएगा यानी कि यहाँ पर वो बच्चा अब ये प्रयास करेगा कि वो लड़ाई की जो उसकी टेंडेंसी है जो प्रवृत्ति है उसको करने की वो घटेगी क्योंकि वो ये जानता है कि यदि वो ऐसा करेगा तो जो उसका एक पसंदीदा काम है वीडियो गेम खेलना वो उसको करने नहीं दिया जाएगा तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि री में एक रिवॉर्ड का और एक यहाँ पर पनिशमेंट का यानी कि री के जो ये दो तरीके हैं जिसमें एक पॉजिटिव री है जिसमें उसको रिवॉर्ड दिया जा रहा है और एक तरफ उसको पनिश किया जा रहा है तो इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हम उसकी एसोसिएशन को एक तरफ यानी या तो वो व्यवहार को स्ट्रेंदन करेगा या वो उसको सप्रेस करेगा यानी उसकी होने की टेंडेंसी को या तो वो बढ़ाएगा या उसके होने की टेंडेंसी की फ्यूचर में वो उसको कम करेगा तो इस प्रकार से हमने आज अपने इस सत्र में कुछ चीज़ों को कवर किया कुछ चीज़ों को यहाँ डिस्कस करने का आज प्रयास किया और हम इससे जुड़े हुए कुछ और जो हमारे बचा हुआ भाग है जो ऑपरेंट कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ हमारा कुछ शेष भाग है उसका और अधिगम के कुछ और सिद्धांत जो हम हमारे अभी इसके बाद बच गए हैं उनको हम अपने अगले सत्र में उस चर्चा को जारी रखेंगे तो आज का हम ये सत्र अपना यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का ये सत्र काफ़ी लाभदायक लगा होगा और इसे आपकी जो समझ है अधिगम के बारे में वो जरूर कुछ ना कुछ उसमें वृद्धि हुई होगी और इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद